सो एक बार कसाब सा, मेरा नाम है अर्स एंड आप देख रहे हो प्रो नेशन। सो वैसे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू पेट नाइट पैंथर के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे पास नाइट पैंथर है एंड अभी अभी मतलब मेरे को मिला। एंड गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप मतलब आपको कितने स्पिन में मिल सकता है एंड आपको कैसे ये मिलेगा, ठीक है। और यार इसके बारे में फुल एक्सप्लेन करूँगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। इससे पहले यार मैं एक चैनल अपडेट देना चाहता हूँ कि यार काफ़ी टाइम से मतलब मैं दो दो दिन पर वीडियो डाल रहा हूँ या फिर कभी कभी तो 3 दिन हो जा रहा है वीडियो डाले। तो इसलिए हो रहा है यार क्योंकि अभी मैं हाल फिलहाल वैकेशन पे आया हूँ, तो इसलिए यार यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो मैं तो गेम भी ऑन नहीं कर रहा हूँ दिन भर, मतलब एक बार दिन में एक बार शाम को वो भी मैं ऑन करता हूँ गेम कुछ 6-7 बजे, तो उसी समय खेल लेता हूँ। दोपहर में भी एक बार ऑन करता हूँ बट 999+ आता है। तो ऐसे यार बार बार मतलब मेरे साथ यही हो रहा है 999+ वाला इशू, क्योंकि यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो चलता है, तो इसलिए यार मतलब मेरे को वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। बट ठीक है, कुछ टाइम बाद मैं अपने घर जब जाऊँगा तो वहाँ पे यार सही मतलब नेटवर्क रहेगा, तो मैं डेली वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। तो हाल फिलहाल आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना। तो चलो आज की वीडियो पे हम लोग फोकस करेंगे कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले नाइट पैंथर के बारे में। तो अभी अभी कुछ टाइम पहले ही आया है हम लोग का ये नया वाला पेट। हाँ, एक दिन मैं लेट हो गया बट चलो कोई बात नहीं। सो यार अगर बात करें नाइट पैंथर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास आ चुका है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ गाइस ये कैसे मिलेगा। तो जैसे कि इससे पहले मैकेनिकल पब करके एक हम लोग का नया पेट आया था जो डॉग था, तो बेसिकली वो हम लोग को डायरेक्टली पेट वाले सेक्शन में मिल गया था जहाँ से हम लोग स्टोर के थ्रू परचेज कर सकते थे। बट इस बार ग्रीना वालों ने बहुत ही गलत किया, अब की बार जो है कि हम लोग को ये लक रॉयल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट पैंथर करके एक नया लक रॉयल इन्होंने निकाला है। तो बेसिकली इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नाइट पैंथर वाला। तो यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे मेगा लक करके दिखेगा एंड डायमंड रॉयल के जस्ट नीचे यार ये वाला टैब बना दिया नाइट पैंथर करके, जो 25 और 250 डायमंड का स्पिन यहाँ पे हम लोग को दिया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दो तो यहाँ पे दिखेगा आपको लकी 157। आई डोंट नो कैसे ये 157 हो गया, बट इसका मतलब ये है कि यार हम लोग को चांसेस ज़्यादा है निकलने के। तो फटाक से मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड गाइज मैं जल्दी से यहाँ पे स्पिन करने वाला हूँ एंड मेरे से वेट नहीं होता, जल्दी से मैं स्पिन करता हूँ एंड देखता हूँ निकलता है या नहीं। तो फर्स्ट स्पिन में हम लोग ट्राई करते, तो फर्स्ट स्पिन में मेरे को पेट स्किन फुल स्टील करके कुछ मिल गया। तो बेसिकली ये हम लोग का पता है क्या मिला, एक बहुत टाइम पहले टॉप अप रिवॉर्ड आया था जिसमें हम लोग को जो हम लोग का पेट था वो भी मिल रहा था प्लस पेट स्किन मिल रहा था। वैसे ही गाइज यहाँ पे हम लोग का पेट स्किन निकल गया, अब की बार ट्राई करते हैं गाइज। तो यहाँ पे यार घंटा मिल गया, गोल्ड दे दिया, अब यार पक्का निकल जाना चाहिए जैसा कि लिखा था गारंटेड रेयर आइटम विद इन 3 स्पिन। सो देख लेते हैं। ओ माय गॉड गाइस, बहुत सही रेयर आइटम मिल गया। तो चलो यार हम लोग को मैकेनिकल पप आई थिंक नाइट पैंथर मिल गया, सॉरी मैकेनिकल पप कह रहा हूँ मैं, मैकेनिकल पप का हम लोग को वो मिला स्किन मिला, ठीक है। और हम लोग को नाइट पैंथर मिल गया है, गॉट रेयर आइटम, बहुत सही यार, वो भी एक स्पिन में हम लोग को 10+1 मारना नहीं पड़ा, तो ये अच्छा काम हुआ हम लोग के साथ। ओके कर लेते हैं हम लोग फिलहाल। और गाइज यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है और मैं यहाँ से पहले क्लाइम कर लेता हूँ थोड़ा सा। एंड गाइज अब हम लोग पेट वाले सेक्शन में जाकर देखेंगे कि हम लोग को मतलब कौन सा पेट मिल गया यार। और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो हम लोग का मैकेनिकल पप का स्किन है। जैसा कि यहाँ पे ये टॉप अप रिवॉर्ड के टाइम आया था, मैंने ऑलरेडी कर रखा था, मेरे पास मैकेनिकल पप था तो मैं क्यों टॉप अप करता भला, इसलिए मैंने टॉप अप नहीं किया। बट ये वाला स्किन मेरे को अच्छा लगा था, चाहिए था, चलो मिल गया, अच्छा हुआ। और यार देख लो यहाँ पे नाइट पैंथर का भी स्किन हम लोग के पास है और यहाँ तो ये मेरा मैक्स लेवल का है मैकेनिकल पप। अब बात कर लेते हैं यार पैंथर की अपने नए वाली पेट के बारे में, तो हम लोग का नाइट पैंथर भी फ्री में नाम चेंज हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। और गाइज यहाँ पे स्किन भी है इसकी, एक केवल एक स्किन है जो लेवल 6 पर अनलॉक होगा। अगर स्किन की बात करें तो स्किन में ज़्यादा बेटर दिख रहा है। और गाइज अगर मैं लेवल 6 का करता हूँ तो काफ़ी जल्दी ये मतलब काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा, तो ये तो सही है, चलो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा इसको देख के। तो बाकी यार आप मेरे को कमेंट बताना कि आपको ये वाला पेट स्किन और मतलब बेसिकली ये पेट कैसा लगा। अभी बात कर लेते हैं गाइस इसके मतलब खास बातों के बारे में, मतलब इसमें ऐसा अच्छा क्या है, ठीक है। पहली बात तो यार इसका नॉर्मली पेट से साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, पैंथर टाइप लुक है, रियल का पैंथर लग रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। और यहाँ पे देख लो लेवल 2 और 3 और 4, मतलब 3 इमोट है यार केवल, ये कैसा मतलब मेरे को समझ नहीं आया, 4, 5, 6 इमोट होने चाहिए तो यहाँ पे 3 है। और यार यहाँ पे अगर मैं पेट फूड इसको खिला रहा हूँ तो यहाँ पे जो इसका वो देखो यार जो अपग्रेड हो रहा है गाइस, काफ़ी तगड़ा अपग्रेड हो रहा है, मतलब लेवल अप हो रहा है, काफ़ी अच्छा लुक दे प्रोवाइड कर रहा है। और गाइस एक सेकंड, मैंने अभी एक भी नहीं किया था। और अगर बात करें हम लोग का मैकेनिकल पप के बारे में, तो पप काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये स्किन मेरे को जस्ट अभी मिल रहा है, तो मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। तो चलो ये वाला तो मस्त लग रहा है, अभी हम लोग अपना जो है पैंथर इक्विप कर लेते हैं। और इससे पहले यार मेरे को लक रॉयल में तो मिल ही गया है पैंथर, इसके अलावा देख लेते हैं गाइस वेपन रॉयल में भी मैं मार के देख लेता हूँ, क्या पता अगर
किस्मत अच्छा रहा तो फार्म हाउस भी निकल जाएगा। तो चलो दो स्पिन करके देख ही लेते हैं कि निकलता है या नहीं। तो 30 डायमंड वाला मैं एक बार करता हूँ, फिर अगेन एक बार और करके देखते हैं निकलता है या नहीं। तो यार यहाँ पे घंटा मिल गया, गोल्ड मिल रहा है, बहुत हंसी वाली बात है, बट गोल्ड मिल रहा है यार। नेक्स्ट स्पिन पक्का निकल जाना चाहिए भाई, निकल जाए, गोल्ड बॉक्स नहीं आया मेरे को लग नहीं रहा है। तो वापस से गोल्ड, तो यार क्या निकल रहा है यार, गोल्ड बॉक्स की जगह गोल्ड दे रही है सब, ये तो गलत बात है, बहुत गलत हो रहा है ये। और यहाँ पे मेरे पास FF टोकन भी मिल गया मेरे को, चलो कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं गाइस हम लोग नाइट पैंथर के बारे में, काफ़ी बकवास हो गया। अब यहाँ पे देख लो नाइट पैंथर, तो यहाँ पे मैं इसको इक्विप कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इक्विप हो चुका है, इसका एक स्किल है यार जो हम लोग का इन्वर्टर स्पेस बढ़ाता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बात करें इसके इन्वर्टर स्पेस वाले स्किल की, तो बेसिकली इसका एक स्किल है कि ये जो आपका बैग है उसका इन्वर्टर स्पेस बढ़ा देगा। अगर आपके पास बैग नहीं भी है फिर भी आप मतलब लेवल 1 का है तो अभी हाल फिलहाल 15 ही उठाएगा, बट अगर जितना आप लेवल अप करोगे उतना ज़्यादा ये उठाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। और यार देखो नॉर्मल पेट से इसीलिए अच्छा, इसीलिए मेरे को लग रहा है ये लक रॉयल में आया है, बट यार देखो ऐसे नॉर्मली स्टोर में भी दे देते तो चलता है यार, लक रॉयल में लाने की ज़रूरत नहीं थी, बट आई डोंट नो क्यों मतलब इन्होंने लक रॉयल में ही देने का सही समझा। और यार ये गलत है क्योंकि देखो नॉर्मली हम लोग का तो निकल गया 3 स्पिन में, सबका नहीं निकलता है, तो हो सकता है एक बार देखो आप लोग ट्राई करो, अगर आपका निकलना होगा तो 3 स्पिन में निकलेगा, काफ़ी लोग का फर्स्ट स्पिन में निकल रहा है। मेरा तो जैसे ऐसा अकाउंट है जिसमें डायमंड परचेसिंग रहता है, तो इसलिए मेरा 3 स्पिन लगा, बट कितने लोग का डायमंड परचेसिंग बहुत कम होता है तो उनके में फर्स्ट स्पिन में निकला है। मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं उनके में भी फर्स्ट स्पिन में ही निकल गया है, ठीक है। तो काफ़ी मतलब उन लोग को मज़ा आ गया यार जब पहले स्पिन में निकल गया। तो यार मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि एक बार ट्राई कर लो। और बात करें यार इसके गेम प्ले की, तो यहाँ पे आप गेम प्ले देख लो यार, इसका उतरने वाला जो लुक है वो एक रोलर की तरह है, मतलब एक रोल कर रहा है, मतलब अजीब टाइप का ही रोल कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट लाइक डाइव मार रहा है और फिर घूम रहा है एयर में ही, तो बहुत तगड़ा दिख रहा है यहाँ पे तो। और मैंने अभी हाल फिलहाल नाइट पैंथर ही रखा है और मैंने नाम नहीं चेंज किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये नॉर्मल सा गेम प्ले है, नॉर्मल सा क्या, बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मतलब ये उतरते ही हम लोगों को कैसा दिखेगा। एंड इन्वर्टरी टेस्ट तो अभी मैं ज़्यादा तगड़ा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं अभी देखो रात ही में आया, ये रात ही मैं तुरंत शूट कर रहा हूँ, तो मतलब अभी मैं फ्री नहीं हूँ, जल्दी से मैं वीडियो बना के रखना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं नाइट पैंथर, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मैं कुछ चीज़ें उठा लेता हूँ जस्ट लाइक दैट, मतलब ये सब कुछ उठा लेता हूँ एंड देखते हैं हम लोग का इन्वर्टर स्पेस खाली होता है कि नहीं। यहाँ पे मैंने बैग फेंक दिया है गाइस। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे हम लोग का 150 है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो 150 है, लेकिन यहाँ पे प्लस 15 इसलिए दे रहा है क्योंकि हम लोग नाइट पैंथर लेके आए हैं। ये जो प्लस 50 है ये मैंने अभी कोई बैग नहीं ले रखा है, फिर भी प्लस 50 हमको दे रहा है, और लेवल 1 का हम लोग का पैंथर है, जब इसका लेवल होगा तो और ज्यादा मतलब ये उठाएगा, तो काफी अच्छी बात है यार, तब तो यार और मस्त काम करेगा नाइट पैंथर हम लोग का, तब तो यार हम लोग को कोई इशू भी नहीं आने वाला, और बहुत सही वर्क कर रहा है। और आई थिंक आप लोग भी जब इसको यूज करोगे तो आपका भी मस्त वाला वर्क करेगा, तो एक बार जरूर ट्राई करना नाइट पैंथर, अगर आपको निकल गया तो काफी अच्छी बात है, मतलब स्पिन करके देखना यार, पक्का इस समय निकल रहा है, काफी लोग का निकल रहा है, आपका भी निकलेगा, तो एक बार ट्राई करके देखो। क्योंकि नॉर्मली यार देखो ये पेट सबको चाहिए होता है, और यार ऐसे अच्छा है कि सबका निकाल दे रहे हैं सब, क्योंकि देखो नॉर्मली ये सबका रॉयल में हम लोग का कुछ निकलता नहीं, बट पहली बार मेरा रॉयल में निकला, और यहाँ तक कि पहले से ही हम लोग को परसेंटेज ज़्यादा दिख रहा था, लक परसेंटेज जहाँ पे आपको लकी करके दिखता है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे लुक वाइज बात करें तो हम लोग का जो नया वाला लाइट पास है वैसा ही टाइप इसका कलर है, कलर तो बिल्कुल सेम है, मेल बंडल से मैच्ड, और जब भी मैं फायर कर रहा हूँ तो ये तो गायब हो जा रहा है, बट वापस से आ जा रहा है, तो चलो अच्छा है। और मैं नाम इसका चेंज कर देता हूँ गाइज, नाम भी अभी हम लोग चेंज कर लेंगे, तो नाम बिल्कुल आपका फ्री में चेंज हो जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यार इमोट की बात करते हो यार, इसका एक इमोट भी था, मैं आपको इमोट भी दिखा देता हूँ, जस्ट एक सेकंड गाइज मैं आपको इमोट भी दिखा देता हूँ। एक्चुअली यार देखो जो पेट वाला इमोट है मैंने उसका विजिबिलिटी एकदम कम कर रखा है, तो आपको दिखेगा नहीं कि इमोट कहाँ पे इक्विप हो रहा है। देखो यहाँ पे इमोट मैंने यूज़ किया, अभी देखना गाइज यहाँ पे मैं इमोट यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लो ये थोड़ा सा दहाड़ रहा है, मतलब लेवल 1 का इमोट है, तो यहाँ पे एक बार वापस से आप देखो तो यहाँ पे कर रहा है छोटा सा है, ज़्यादा इमोट तगड़ा है नहीं मेरे पास, अभी फर्स्ट लेवल का ही है तो ज़्यादा इमोट मिला नहीं मेरे को, 3 ही इमोट अभी हाल फिलहाल है, तो चलो बाद में इमोट्स आएंगे फिर उनको देखा जाएगा। और गाइज हाल फिलहाल अभी यहाँ तो मेरे को अच्छा लगा, इन्वर्टर स्पेस भी मैंने आपको बता दिया कि 15 हाल फिलहाल अभी है, जब लेवल अप होगा तो और ज़्यादा बढ़ सकता है, 30, 35, 40 जितना बढ़े काफ़ी अच्छा होगा, पलोमा लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही हम लोग का काम कर देगा, और वैसे भी पलोमा ARMO कैरी करता है बेसिकली, और ये सब कुछ कैरी करेगा, तो काफ़ी अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं कि आपको ARMO ही कैरी है, आप SMG भी कैरी कर सकते हो, तो ये हम लोग का मतलब एक प्लस पॉइंट हो जाता है यार। और बात करें यार इसके नेम की, कि नेम हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है,
तो नेम हम लोग चेंज कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैंने एक स्टाइलिश नेम रख दिया, जैसे पिछले बार हम लोगों ने अपने पेट का नाम हार्नस रखा था, तो इस बार भी हम लोग इसका नाम रखते हैं। तो मैंने इसका नाम सोचा बफ़ी। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ बफ़ी नाम अच्छा या नहीं। तो यहाँ पर देख लो फ्री लिखा है, तो फ्री में ये चेंज हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है यार, फ्री में हम लोग का चेंज हो रहा है। एंड आप लोग भी अगर लोगे तो आपका फ्री में ही चेंज हो जाएगा, आपको मतलब कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है डायमंड। और यार देखो यहाँ पे मेरा हार्नस भी मतलब मस्त, ये भी फ्री में हो गया था, बट यहाँ पे मेरे को किटी भी रॉयल में निकला, बट ये फ्री में नहीं हुआ यार, यहाँ पे 200 डायमंड दिख रहा है। तो चलो इसको तो मैं नहीं चेंज करूँगा, मैं यूज़ भी नहीं करता, यूज़ करूँगा हाल फिलहाल अभी पैंथर, जब मन भर जाए तो फिर मैं वापस से मैकेनिकल पफ ही यूज़ करूँगा, वो बेटर रहेगा क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो गेम प्ले में मैंने आपको दिखाया तो यहाँ पे इसका साइज़ कम था, तो कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है। और यार मैं चाह रहा हूँ जल्दी से मेरा लेवल अप हो जाए ताकि मेरा ये वाला स्किन अनलॉक हो जाए। तो यार बस आज की वीडियो में आपको ये बता रहा था मैकेनिकल पफ के बारे में, आई मीन नाइट पैंथर के बारे में, बेसिकली मैकेनिकल पफ बार बार बोल रहा हूँ सॉरी। तो नाइट पैंथर के बारे में आपको ये बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि 3 स्पिन ट्राई करो, पक्का आपका निकलना होगा। तो निकल जाएगा, नहीं निकलता भाई तो रुक जाओ एक दिन बाद ट्राई कर लो अगर डायमंड है तो, ठीक है। तो चलो यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और मेरा तो 3 स्पिन में ही निकल गया और लक परसेंटेज पहले से ही ज़्यादा था। और यहाँ पे मेरे पास यार पेट फूड है नहीं और मैं परचेस करूँगा भी नहीं, तो कोई मतलब ऐसे गेम खेल खेल के इसको यूज़ किया, मतलब इसका लेवल अप किया जाएगा, ऐसे ऐसे मतलब पेट फूड क्यों डायमंड बर्बाद करो पेट फूड पे। तो चलो यार आज वीडियो में यही आपको बताना था, और ये मेरे हिसाब से अगर आप पूछो कि मेरा रिव्यू कैसा रहेगा, मतलब मेरा बेसिकली ओपिनियन क्या रहेगा, अच्छा है या बेकार है, तो मैं तो यही कहूँगा अच्छा, यूज़फुल है, बाकी पेट से तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी काम का है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट में बताओ कि आपको ये पेट कैसा लगा और आपको मिला या नहीं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।